अब दोस्तों हम आपको आपके न्यूबलाइजर कंप्रेशर यूनिट के बारे में थोड़ी जानकारी दें। बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन किया गया ये हैंडल है, देखिए मैंने कितने आराम से इसको पीछे से पकड़ लिया। बहुत ही हल्की मशीन है, आप देखिए मशीन के ऊपर सफेद बटन दिया गया है जो ये आपका स्विच ऑन एंड ऑफ का बटन है। एक छोर ट्यूब का इस पे लगता है, ए ट्यूब का, ये आपका एयर फिल्टर का पार्ट है। एक पार्ट एयर फिल्टर का आपको कंपनी से लग के मिलता है, बाकी चार आपको अलग से प्रोवाइड किए जाते हैं। ये कब और कैसे इसका इसको चेंज करना है इसकी जानकारी हम आपको अभी देंगे थोड़ी देर में। देखिए मैंने पावर कॉर्ड को स्विच में लगा दिया है, एक बार ऑन करके देखिए कि आपका कंप्रेशन यूनिट ऑन हुआ है कि नहीं। ये देखिए ये कुछ इस प्रकार ऑन हो गया है। बहुत ही लो नॉइस मशीन है ये कंप्रेशर है, बहुत ही खूबसूरती से इसकी मोटर डिजाइन की गई है। इसको ऑफ कर दीजिए, ए ट्यूब लीजिए, ए ट्यूब के दोनों छोर एक समान है। एक भाग को मैंने कंप्रेशर यूनिट के ऊपर लगा दिया है, देखिए इसमें दवाई डल रखी है। एक भाग को हमने अपने न्यूबलाइजर कप में नीचे ऐसे लगाना है। एक बारी ऑन करके देखिए कि भाप आ रही है कि नहीं। आप देख सकते हैं कि भाप कप से कैसे बाहर आ रही है। ऑफ कर लीजिए। घर में अगर कोई बड़ा है जिसको अगर न्यूबलाइजर यूज करना है तो ये अडल्ट मास्क दिया जाता है किट में, इसको ऊपर वाले कप के भाग में इस प्रकार करके फिक्स कर लीजिए। लास्टिक को खींच के सर के पीछे पहन लीजिए, नाक और मुंह के बीच में आपका ये अडल्ट मास्क आना चाहिए। ऑन करके आप अपने आप को न्यूबलाइज कर सकते हैं। देखिए ये भाप कैसे इस कप से बाहर आ रही है। अगर घर में कोई बच्चा है जिसको न्यूबलाइज करने की जरूरत है, डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, तो बार बार डॉक्टर के पास लेके जाना भी मुश्किल होता है बच्चे को, आप ऑल्सवेयर न्यूबलाइजर अपने घर में रख सकते हैं। हम साथ में एक चाइल्ड मास्क देते हैं, उसको उसी प्रकार से कप के ऊपर वाले भाग में ऐसे लगा लीजिए। बच्चे को अपनी गोद में सीधे तरीके से बिठा के उसके सर के पीछे ऐसे इलास्टिक खींच के नाक और मुंह के बीच में मास्क लगा दीजिए और कंप्रेशर ऑन कर दीजिए। देखिए भाप कुछ इस प्रकार बाहर की तरफ आ रही है। अगर किसी कारण बड़ा या कोई बच्चा घर में मास्क नहीं पहन सकता है क्योंकि उन्हें घबराहट होती है या अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, उस सूरत में हम आपको एक माउथ पीस देते हैं। उस माउथ पीस को आप आराम से ऊपर वाले भाग में ऐसे लगा सकते हैं, दांतों के बीच में इसको ऐसे करके फंसा के आप अपना कंप्रेशर यूनिट ऑन कर लीजिए और इस प्रकार आपके भाप आपके मुंह से जो आपके अंदर लंग्स में जानी है दवाई, उस प्रकार ये दवाई प्राप्त हो सकती है, पहुंच जाएगी। देखिए भाप कैसे आ रही है। इस्तेमाल करने के बाद आप जो भी अडल्ट मास्क है या चाइल्ड मास्क है माउथ पीस है उसे रख लीजिए, ट्यूब को ऐसे बाहर की तरफ खींच लीजिए, कप को साइड पे कर दीजिए और कंप्रेशन यूनिट से भी ए ट्यूब को ऐसे बाहर निकाल लीजिए। अब जैसे हम आपको दोस्तों बता रहे थे कि इसमें एयर फिल्टर कैसे बदला जा सकता है, ये देखिए हमने एयर फिल्टर का कलर येलो रखा है कि आराम से ये पहचान में रहे। अगर ये जब काला हो जाए तो ऊपर वाले भाग को ऐसे बाहर की तरफ खींच लीजिए, ये एक तरह का ढक्कन ही दिया गया है ऊपर, उसके बाद फिल्टर को ऐसे आप बाहर निकाल लीजिए और नए फिल्टर को इससे रिप्लेस कर दीजिए। ये डिपेंड करता है कि आप न्यूबलाइजर कितनी बारी और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, जब काला पड़ जाए तो आप ये फिल्टर बदल सकते हैं। उसके बाद इस कंप्रेशर यूनिट को साफ करके किसी सूखे कपड़े से भी आप साफ कर सकते हैं। आराम से साफ करने के बाद आप अपने स्टोरेज बैग में इसको बंद करके रख सकते हैं। जब आप इस्तेमाल कर लें अपने न्यूबलाइजर कप को, मेडिसिन तो वैसे 3 से 4 मिनट 2.5 ml की इस्तेमाल हो जाती है। अगर कुछ मेडिसिन आपको इसमें से नजर आ रही है तो ऊपर वाले भाग से ही, नहीं तो इस कप को इस तरीके से खोल के आप बाकी मेडिसिन को निकाल सकते हैं। गुनगुने पानी में कप को एक बारी धो लीजिए, साथ में अगर अडल्ट मास्क इस्तेमाल किया उसको धो लीजिए, नहीं तो आप चाइल्ड मास्क या माउथ पीस को गुनगुने पानी से धो लीजिए, जो भी चीज आपने इस किट की इस्तेमाल करी है। ट्यूब को कभी आपने धोना नहीं है, बस सूखे कपड़े से एक बार साफ कर लीजिए। हम आशा करते हैं कि
कि आपकी सेहत तंदुरुस्त रहे। आप लोग ऑल्जवेन न्यूबलाइजर के बारे में सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड आई एम होपफुल कि आप ऑल्जवेन न्यूबलाइजर को इस्तेमाल करें जिसके आपको बेटर ट्रीटमेंट मिल सकती है। थैंक यू सो मच, बाय।